तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाएंगे पटना से 150 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ी में स्थित ताराचंडी मंदिर को। तो इस वीडियो पर बने रहें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। तो चले चलते हैं अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा कि हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार 51 शक्ति पीठ हैं, जो कि एक ताराचंडी भी है। ताराचंडी में माँ सती का दाहिना आँख गिरा था, जिसके कारण इसको ताराचंडी कहते हैं। तो यहाँ पर आप पहुँचने के लिए आप रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आ सकते हैं। सड़क मार्ग से आप सीधे NH2 से ही आप आएंगे। एकदम मेन हाईवे पर ही ताराचंडी का मंदिर स्थित है। और रेल मार्ग से आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन सासाराम जंक्शन है, जहां से आप सासाराम जंक्शन से टेम्पो या रिक्शा से आप 6 किलोमीटर की यात्रा से आप ताराचंडी पहुंच सकते हैं। और ये रहा ताराचंडी धाम का मुख्य द्वार, और इसके सामने कुछ लगे हुए खिलौने वगैरह के दुकान। और यहाँ से मेरे दुकान लावन लगा के मेरे दुकान से प्रसाद लीजिए। तो आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। तो हमने ये प्रसाद लेकर चलते हैं। आगे पवन भी आ, पीछे से हम अपने पैंट को कसते हुए। तो फाइनली हम लोगों का दर्शन और पूजा वगैरह सब हो गया, और अब हम लोग चलते हैं मंदिर को। चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं और सब क्या अच्छा लगता है, और आपको भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो आपको बता देते हैं कि यह मंदिर पहाड़ पर ही बसा है एकदम, और NH2 मेन हाईवे पर ही स्थित है। इसमें आप बहुत आसानी से आप यहां पर पहुंच सकते हैं, और आप देख सकते हो पीछे पहाड़ काटा हुआ है। तो मंदिर घूमने के बाद हम लोग फिर एक जगह रक्षा बांधने का जगह था पेड़ में, हम लोग पेड़ में रक्षा बांधे। इस लड़के का मनोकामना जल्द पूर्ण हो, इसका जल्द से जल्द विवाह हो जाए, यही कामना के साथ लड़का पूजा करने आया है। तो पूजा वूजा करने के बाद हम लोग
नारियल फोड़ने का जगह था, वहाँ पर हम लोग गए और नारियल फोड़े। तो अब जाते जाते आपको दिखाते हैं मंदिर के बाहर के कुछ नज़ारे दृश्य। कुछ फनी और सिनेमेटिक मोमेंट्स को दिखाते हुए वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। कमेंट में जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा।